हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। अब समर्स अपने पीक पे हैं, तो हमने सोचा है कि हम कैंपिंग करेंगे। इस साल भी कैंपिंग करेंगे, तो हम आए हैं एल्गोन क्वीन प्रोविंशियल पार्क में। और ये ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट पार्क है पूरे कनाडा में। तो एक्चुअली 7500 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया पूरा ऐसे स्प्रेड है ये, मतलब इतना वास्ट, इतना बड़ा है ये प्रोविंशियल पार्क। तो हम भी पहली बार आए हैं इस पार्क में, प्रोविंशियल पार्क में कैंपिंग करने के लिए। और लास्ट ईयर भी हमने कैंपिंग की थी डार्लिंगटन प्रोविंशियल पार्क में की थी, तो उसका भी लिंक मैं डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। तो आज जो है हम यहाँ आए हैं, और तो कैंपिंग यानी रिपीट नहीं होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट करें, और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेल्स हैं, बहुत कुछ है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम देखें, कवर करें, और हम भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सोची है अभी, और जैसा भी होता जाएगा वैसे दिखाते जाएंगे, आप लोग के साथ शेयर तो करेंगे ही। तो इस पार्क के बारे में सुना तो बहुत है, पर देखते हैं वैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि नहीं। और ऐसे सुना भी है कि यहाँ मूज और बेयर्स यहाँ पे दिखते हैं, पता नहीं, ऐसे सुना है हमने, नहीं दिखे या दिखे अभी वो हमें पता नहीं, जाएगा तो मज़ा आएगा या डरेंगे पता नहीं, पर ना ही दिखे तो अच्छा है। और बाकी तो बस फिर जो भी होता जाएगा वो देखते जाएंगे। और अभी बहुत कुछ करना है, अभी टेंट लगाना है, सारा सेटअप करना है, तो चलिए जैसे जैसे होता है देखते जाते हैं और इस कैंपिंग के मज़े लेते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए जर्नी स्टार्टेड, हम एल्गोन क्वीन प्रोविंशियल पार्क की ओर चल पड़े हैं। तो करीब 3.5 आवर्स के बाद हम अपने कैंप साइट पहुँच गए हैं। चलिए अभी यहाँ से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वो दे रही है चीज़ों की, तो इस मैप को फॉलो करते हुए अब हम अपने साइट पे आ गए हैं, और बस अब सारे काम करेंगे, टेंट वगैरह लगाएंगे। चलिए अब टेंट लगाया जाए। टेंट लग गया। चलिए अब टेंट लगाने के बाद हम आइस और वुड लेने के लिए, फायर वुड लेने के लिए जा रहे हैं वहीं जहाँ से हमने मैप लिया था। अंदर हमने लकड़ी और आइस दोनों चीज़ ले ली है, मतलब बुक कर लिया है, अंदर से आप ऐसे बुक कर सकते हैं। और फिर अभी यहाँ से देखते हैं इस साइड है वो रही, छोटी सी जगह अच्छी बनाई हुई है। ओके, ये दो हो गई। हाँ, ले जानी है आइस भी। मेहनत का काम। चलो लकड़ियां तो आ गई, अब आइस लेने चलते हैं। दोनों हो रहे हैं, कैसे ओपन कर ले क्या? आइस बॉक्स में डाल देंगे, खाने का सामान खराब नहीं होगा। आइस ले लिया, हाँ इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है यू आर इन फूड गार्बेज आइटम, पूरा इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। यहाँ पे भालू भी आते हैं, तो खाना वाना जो है, जो आपका गार्बेज है, वो सब अच्छे से पैक करके वापस डस्टबिन में आप डाल सकते हैं डंप स्टेशन में। और सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब है ना, कोई चीज़ खुली नहीं रखनी पड़ेगी, ये खाना अच्छे से डिस्पोज करना पड़ेगा, तो मज़ा आएगा अगर भालू वालू दिख गया तो। चलो चलते हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। चलिए टेंट के बाद हमने हैमॉक भी सेट कर लिया। और पहले मैं जब किसी को देखती थी मुझे ऐसा लगता था ये क्या इतरा रहे हैं, लेकिन अब जब खुद आराम कर रहे हैं इसमें तो इसकी वैल्यू पता चल रही है। शाम हो गई है, शाम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इसमें, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ये डिफरेंट करना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ हाँ, रिलैक्स, ऐसा लगा बस सो जाओ। आहा,
चार्कुटरी बोर्ड सजाया जा रहा है। अभी क्रैकर्स रख रहे हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं अभी रखने के लिए तो बस अभी वही सजा रहे हैं, फिर सजाते हैं दिखाते हैं। हमने अच्छे से रख लिया है, चार्कुटरी बोर्ड पूरा सजा लिया है, रख लिया है, मस्त लग रहा है, ऑसम, फटाफट खा लिया जाए ऐसा लग रहा है और अच्छे से माहौल भी क्रिएट कर लिया गया है सारा। वहाँ पे बॉनफायर भी रेडी हो गई है बहुत अच्छे से, लाइट्स वाइट भी हमारे आ गए हैं और बस ये ग्लासेस अभी भरेंगे और प्यारा सा चार्कुटरी बोर्ड। तो एक्चुअली हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, इसलिए मेरा चार्कुटरी बोर्ड जो है वो पूरा वेजिटेरियन स्प्रेड है। मस्त, इट्स कोम्बुचा नॉन अल्कोहलिक, नाइस। मेरा टेंट रेडी हो गया, सारे लाइट्स भी लगा लिए हमने, प्यारे से कोजी से लाइट्स, और यहाँ पे डिनर भी रेडी, सुपर्ब डिनर, एंड हमारी कैंप फायर भी रेडी। चलिए मज़ा आ रही है, गर्मा गर्म ठंडा ठंडा जूस। तो अब इतनी सारी मेहनत के बाद अब चैन से बैठ के एंजॉय करने का टाइम स्टार्टेड। अच्छा लग रहा है अब जाके गरम गरम, थोड़ा सा चीज़ों को सेट वेट करने में टाइम लगता है ना, थोड़ी सी मेहनत है, पर फिर एक बार जब सब सेट हो जाए फिर रिलैक्स, आराम से बैठो, टिक्की पक जाए बस। अरे हाँ, मैं तो वो ट्रे दिखी नहीं रहा मेरे को, आग के उसमें टिक्की बन रही है, पकड़ी है, अच्छे से रोस्ट हो जाए। ओके, हाँ अच्छी रोस्ट हो रही है ना, वाह, आई थिंक इट नीड्स सम ऑयल। चलिए अब हमारा डिनर तो हो गया है और इस हैवी से डिनर को पचाने के लिए अब वॉक पे निकल गए हैं थोड़ा सा। मज़ा आ रहा है एकदम, शांत अंधेरे में तारों को देखते हुए चलने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, डिनर के बाद वॉक का मज़ा ही अलग है यहाँ तो। चलिए रात के 2 बजे थे, हमने भी रेस्ट किया और अब सुबह सुबह हम निकल पड़े इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। सुबह सुबह वॉक करना वो भी इतने जंगल में, फ्रेश। चलो चले, सुबह सुबह मज़ा आ रहा है अभी वॉक करने का, ये ट्रेल पूरी लेक के पास जाती है ऐसा हम देखे हैं मैप में, तो बस अब पहुंच के देखते हैं। अभी वैसे नींद हो रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है, चलो चलते हैं देखते हैं है कि नहीं लेक, है कि नहीं, मैप नहीं दिखा रहा है।
हिडन बीच हमने ट्रेल से देखा, अच्छा है। मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, है ना? अगर बाद में मुझे लगता है उतना भीड़ नहीं होगी, अच्छा है। ऐसे छुपा हुआ है ऐसे अलग से, इतनी शांत है ना अभी सुबह लेक। ये लोग बोटिंग कर रहे हैं, वाह। देखो अभी 6:30 भी नहीं हुए हैं सुबह के, है ना, और कितना उजेला तो हो ही गया है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, वाह। सनराइज होने वाला है, एक्चुअली हुआ नहीं है, अच्छा हुआ हम आ गए। सुंदर से ट्रेल से होते हुए, वाह। तो अभी हम थोड़ा और आगे जाके देख रहे हैं जहाँ ये रास्ता जा रहा है कि क्या दिखता है। और ये भी देखो, ये भी एक पब्लिक बीच है और ये अच्छे से मेंटेन किया हुआ, मतलब बैठने बैठने की जगह भी है, कनूज भी रखे हुए हैं। ओके, यहाँ पे लोग कनूज लेके जाते होंगे यहाँ से, है ना, बतख भी घूम रही हैं। सारे येलो रेड एकदम ब्राइट लग रहे हैं ग्रीनरी में ना। बस ये ले लो और ऐसे चलते जाओ पानी में, जहाँ जा रही है लहरें। तो सुबह आने का फायदा यही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है, अलग अलग तरह की चिड़िया की आवाज़ आ रही है ना। अच्छा लग रहा है। तो चलिए बीच देखने के बाद अब हम थोड़ा सा ड्राइव पे निकले हैं, क्योंकि हमने सुना है कि सुबह सुबह मूस दिखते हैं जब ज्यादा भीड़ नहीं होती। तो देखते हैं हमें दिखते हैं कि नहीं। मूस दिख रहा है, तो उसके साथ दो है, वो दो है लग रहा है। हेलो हेलो बोले तो देखा, हेलो। वैसे ये बड़े ख़तरनाक होते हैं मूस, अगर इनको गुस्सा आ जाए तो कहते हैं कार भी पलट देंगी ये। तो दूर से ही देख रहे हैं हम भी, मज़ा आ गया। सुबह सुबह निकलने का एक फ़ायदा हो गया, इतनी बारिश में भी सोचो आराम से पत्ते वत्ते खाते घूम रहा है। सफल रहा, मूस दिख गया हमें। चलिए लकी डे, मूस दिख गया हमें। उसके बाद हम वापस आ गए और ये देखिए ये डंप स्टेशन है, तो यहाँ पे आप सारे अपने ऑर्गेनिक और बॉटल्स और जो भी चीज़ें वो प्रॉपर जगह पे आप डिस्पोज कर सकते हैं। और चलिए अब वापस आ ही गए हैं, ज़ोरदार भूख लगी है, अब थोड़ा कुछ नाश्ता वाश्ता कर लिया जाए। आज की सुबह जो है वो बारिश के साथ हुई है और हम डिफरेंट करने का सोचे थे, तो बारिश होके कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट हो गया और कैंपिंग इन रेन हो गई आज तो ठंड ठंड में और ऐसे ठंडी ठंडी मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी पी जाए हमने सोची। तो अभी अब कॉफ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है छोटा सा पानी गर्म करने वाला, तो अब हो रही है कॉफ़ी के लिए, हमारा पानी गर्म हो रहा है और
क्यूट सी केटली में गरम हो रहा है और अब हम करते हैं ग्राइंड कॉफ़ी। कॉफ़ी फिल करते हैं। कॉफ़ी बीन्स की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और फ्रेशली ग्राइंड कॉफ़ी तो मज़ा ही आ जाएगा उसका टेस्ट। वाओ क्या ग्राइंड हो रही है। इंस्टेंट फ्रेशली ग्राइंड कॉफ़ी। क्या फ्रेश एकदम अरोमा आ रही है कॉफ़ी की, बहुत ही अच्छी। अब बनेगी हमारी कॉफ़ी। चलिए हमारा पानी भी अब गर्म हो गया है और हम करते हैं भी गैस बंद। चलिए हमारी कॉफी रेडी हो रही है। चलिए कॉफी इज रेडी नाउ। गर्मा गर्म कॉफी। तो डार्क कॉफी ज़्यादा नहीं पीती हूँ मैं, मिल्क वाली पीती हूँ, लेकिन अच्छी लग रही है। खुद के मेहनत से बनाई हुई कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ और है। हाँ 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 पराठे सिक रहे हैं अब कॉफ़ी के साथ साथ, पराठों का नाश्ता भी होगा अब। गर्मा गर्म पराठे ठंडे ठंडे मौसम में। चलिए मटर पनीर और पराठे खाने के बाद अब हम चल पड़े हैं मेन विजिटर सेंटर, एल्गोनक्विन पार्क का मेन विजिटर सेंटर देखने के लिए। ये करीब 22 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब 15 मिनट्स में हम पहुंच गए हैं। चलिए अभी हम आए हैं विजिटर सेंटर एल्गोनक्विन पार्क के। तो अधिकतर ये होता है कि सारे पार्क में जो विजिटर सेंटर्स होते हैं वो पार्क में ही होते हैं, फिर अपने कैंप साइट में जा सकते हो। पर जैसे हम वहाँ पे आइस और वुड लिए थे वैसा छोटा सा बना है, और जो एल्गोनक्विन पार्क का मेन सेंटर है जो विजिटर सेंटर वो यहाँ पे है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी व्यू पॉइंट वाली ट्रेल है, वो चलेंगे हम बाद में। इतना भारी सा गेट है। वाह अच्छा बड़ा सा है ये, है ना, अंदर देखने में लग रहा है। अरे देखिए ये पूरा पार्क का एरिया दिखा रहा है यहाँ पे। चलिए अब सारी चीजें वन बाय वन देखते हुए चलते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। बेर बेबी बेर भी बैठे हुए हैं।
और इधर से दिखाते हैं हम, आज हमने इन्हें साक्षात देख लिया। यही वो प्राणी है मूस जिसको हमने देखा है लाइव आज। वो फिशेस हैं, इधर आ रही है, ये भी एक है, फिशेस हैं। ये तो पत्थर है असली में, बहुत अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे, ऐसे एक बार तो आना बनता ही है जब भी एल्गोनक्विन पार्क आए। वाह, मस्त बनाया ना एकदम, बहुत अच्छा। एक एक चीज़ बस देखते चले जाओ, स्टोन्स, हाँ सारे वेपन्स ही लग रहे हैं ना कुछ कुछ। हम यही बर्ड की आवाज़ सुने, ओरिजिनल है ना। वाओ, मस्त लग रहा है ना। ये स्टेशन बनाया गया है। सूटकेस लौट, चलो यहाँ बैठ जाओ, वेटिंग रूम। ओ वाह, क्रॉकरीज, ये फायर टावर बना है ना। हाँ ये फायर टावर है, और वो जो ऊपर का जो है वो ये पोर्शन है। पहले मैं सोची कि सच में कोई बैठा हुआ है। आर्ट पेंटिंग्स, वाह, बहुत सुंदर बनी है ना सारी पेंटिंग्स, बहुत सुंदर। वाह, खरीद भी सकते हैं ना, रेट वेट सब लिखे हुए हैं, प्राइजेस, बहुत सुंदर बनी है सारी, है ना, बहुत अच्छी। तो आप यहाँ पे आके परचेज भी कर सकते हैं ये सब पेंटिंग्स। और देखें यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, हाँ प्रॉपर बुक स्टोर, नहीं ये सब भी मिल रहे हैं, कप्स वगैरह। ये देखो मैग्नेट्स, हम हर जगह जाते हैं वहाँ लेते हैं मैग्नेट्स, तो यहाँ भी देख रहे हैं कौन सा लें। देखो मूस वाला भी है, फॉल कलर्स, ये देखो ये दोनों में से कौन सा लेंगे चूज करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगा ना। फ्रिज में एक और मैगनेट, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पे ऐसे कैफे भी है, आप अपना खाना भी ला सकते हैं और वहाँ से भी परचेस करके खा सकते हैं। चलिए वहाँ से हम ले लिया हमने मैगनेट, और अब हम लुकआउट पॉइंट देखने के लिए आए हैं। हाँ इधर से चलते हैं, पूरा वुडन ही वर्क किया हुआ है, पुश पुश। ये है लुकआउट पॉइंट, यहाँ से सारा व्यू दिखता है बेहतरीन, बहुत सुंदर। और फॉल कलर्स में तो इस जगह की खूबसूरती में और चार चांद लग जाएंगे। लेफ्ट साइड देखते हैं, सुपर व्यू, बहुत ही सुंदर। तो
क्या व्यू मिल रहा है ना यहाँ से, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पे खड़े होके प्रॉपर आप अपने आप को लाइव वेबकैम में देख सकते हैं। देखिए कैमरा ऊपर लगा हुआ है और ये देखिए अभी हमने स्टार्ट किया तो यहाँ देखिए हम खुद दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे ऐसे वुडन पाथवे में खड़े हुए हैं और पूरा व्यू देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं हम। और इस तरह से आप अपने आप को भी देख सकते हैं और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपको तुरंत लाइव ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इस ट्रेल में चलते हैं, 200 मीटर ही है तो थोड़ी सी दूरी है शायद, तो देखते हैं क्या दिखेगा कैसा है। चलो मौसम सुहाना हो गया, बारिश बारिश ये नहीं, कभी कभी बारिश के भी मजे लेने चाहिए है ना, धूप के साथ साथ। वाह क्या पूरा वुडन पाथ बना हुआ है ना। बहुत सुंदर, दोनों ओर हरा हरा। हाँ पहुँच गए, इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ। 2 मिनट भी नहीं लगा पहुँच गए। पहुँच गए, वॉच योर हेड। हम तो वैसे ही कम हाइट के हैं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए हम इस पोर्शन पे हैं, यहाँ से हम देखेंगे बाहर। तो ये एक रेप्लिका बनाया गया है लेकिन यहाँ से ऐसे ही इसी तरह जैसे ऊपर से हमको सारी चीज़ें उनको ऐसे दिखेंगी कि फायर कहाँ पे है, पूरे पार्क पूरे एरिया में इतनी ऊंचाई से ये देखा जा सकता है कि फायर कहाँ लगी हुई है। तो मस्त है, वाह वे वाह। चलो छोटी सी ट्रेल से हम यहाँ देख लिए, अब वापस चलते हैं। जब भी आप एल्गोनक्विन पार्क में आएंगे कैंपिंग करने के लिए तो विजिटर सेंटर ज़रूर आएँ, बहुत अच्छा है, एक बार तो आना बनता है। और ये भी व्यू आप छोटा सा देख सकते हैं, यहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा था, तो अच्छा है यहाँ पे, एक बार आना ज़रूर। चलिए वापस चलते हैं और लंच कर लेते हैं। तो शार्कुटरी बोर्ड की तरह मैंने लंच का भी वाइड स्प्रेड बहुत अच्छे से करने का सोचा लेकिन बारिश के कारण प्रोग्राम में कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर सारा ऐसा फैला के रखें और अचानक से बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी देर में तो एक साथ सारी चीज़ें लेके भागने में बहुत मुश्किल होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सिंपल सा ईजी सा कर लिया जाए और फटाफट लंच करके फिर दूसरी चीज़ें देखने के लिए चलेंगे। तो एल्गोनक्विन पार्क हमको सबसे बेस्ट लगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, तो फटाफट एक्सप्लोर करेंगे और भी चीज़ें। चलिए हम लंच में सोच रहे हैं कि पास्ता कर लें तो पैन तो मैंने वही लिया, हो सकता है पास्ता का थोड़ा कलर सा चेंज हो जाए क्योंकि जिसमें सब्ज़ी गर्म की थी वही पैन लिया है मैंने, तो इसमें अब पास्ता बनाते हैं। सीजनिंग है लेके आए हैं छोटे से डिब्बे में और थोड़ा सा नमक। कुकिंग शो जैसा हो गया एक्चुअली सिंपल फटाफट पास्ता, हमने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की। और देखिए ऐसे माहौल में ऐसी ग्रीनरी में पिकनिक का मज़ा ही आ जाता है, सनलाइट भी आ रही है अब तो बहुत अच्छे से। ये फटाफट वाला पास्ता है और इसमें पास्ता डाल देते हैं हम। तो अभी पास्ता हो रहा है, वैसे तो हमने बहुत कुछ चीज़ सोची थी अभी लाए थे लेकिन अभी निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि पता नहीं कब बारिश स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें लाए नहीं हैं, फटाफट एक एक चीज़ कर रहे हैं कि बाई चांस पानी गिरे तो लेके भागे। पास्ता रेडी हो गया, आ हा हा क्या खुशबू आ रही है गर्मा गर्म पास्ते की, वाह वाह आ हा हा मज़ा ही आ गया।
जोरों की भूख लगी है, फटाफट खाते हैं। चलिए अब लंच करने के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं, वो है लेक ऑफ टू रिवर्स के कैंप स्टोर में, और देखते हैं वहाँ पे क्या मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्टोर है, यहाँ पे भी आप आके चेक कर सकते हैं, मतलब वही ड्रेसेस, कप्स एंड कैप्स, सारी एसेसरीज मिल रही हैं, कैंपिंग का सारा सामान मिल रहा है, और छोटी मोटी ग्रॉसरीज भी मिल रही हैं पीछे की ओर, चिप्स और एक्सेट्रा सारी चीज़ें, तो यहाँ भी आप आके चेक कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आए हैं, कनू लेक एरिया में आए हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर स्पॉट है और मस्ट विजिट है, और यहाँ पे भी अंदर ऐसे रेस्टोरेंट है, आपको कुछ खाना हो तो आप लेके खा सकते हैं। तो चलिए अब बाहर की ओर चलते हैं, और यहाँ पे देखिए लेक साइड के पास बहुत ही बेहतरीन व्यू है, और यहाँ पे आप कनूज भी रेंट करके आप ऐसे पानी में जा सकते हैं, चला सकते हैं। ये देखिए कनू लेक नाम भी है, और सारे यहाँ पे आप कनूज रेंट कर सकते हैं, लोग चला भी रहे हैं, देखो बारिश हो रही है फिर भी लोग चला रहे हैं, इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है हमारी बारिश वाली कैंपिंग है, इसीलिए घूम ही रहे हैं, ये भी नया एक्सपीरियंस है, हाँ घूमे ही रहे हैं हम बारिश में। चलो इधर चलते हैं, यहाँ से आप रेंट कर सकते हैं, निकल जाइए पानी से। हमने जब ये कैंपिंग का बुक किया था तो हमने देखा था कि सिर्फ एक दिन ही रेन है, वो भी कुछ घंटे ही है बस, पर अनएक्सपेक्टेड सारे दिन वो रेन रही, तो उसके कारण बहुत सा प्रोग्राम हमारा चेंज हो गया, करना पड़ा एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी अनुभव हो जाता है रेन के साथ। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने टेंट के पास, और यहाँ से वापस घर जाने के लिए सारी चीज़ें वाइंड अप करते हैं। चलिए इस कैंपिंग में हमने रेन के भी मज़े ले लिए, एक अलग ही एक्सपीरियंस हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कैंपिंग की, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।